खुशी सुन के भाज आई खोज के किबार बेदर्दी दगा दे के चले गए के रोई भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे गोपियों तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। कहने लगी गलती हो गई महाराज। उसी समय भगवान ने महाराज दिखाया। आप लोग सोचते होंगे आधार महाराज तुमने बहुत जल्दी सुना दिया। भक्तों अगर दुनिया का राग होता मैं 6 महीने लगा देता। ये जीवात्मा परमात्मा का खेल है और ब्रह्मा गोचर है। मेरे भाइयों श्री सुखदेव जी बोले है राजा परीक्षक इधर भगवान का सितारा चौचंद होता जा रहा है, इधर राजा कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। राजा कंस के दरबार में देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ और नारद कहने लगे भोजराज कंस महाराज जी के चरणों में भोले वाले कंस का चोर बंधन स्वीकार हो। वो बिंद्रा बन के हीरो के 2 लड़के थे वो मरे के नहीं मरे। अरे महाराज वो मर जाते तो मेरा कांटा निकल जाता। तुम्हारे जैसे कायर मार नहीं पाएंगे। क्यों नहीं मार पाएंगे? क्यों कायर है? तुम्हारे पास बड़े बड़े दानव राक्षस उनका कब का खात्मा कर दिया होता। अरे महाराज मेरे पास राक्षस रहते सुर आकाश सुर और जे जे राजेशासुर जागेश्वर सुर और सुनीला सुर और जो बल्लाम सुर और अनिल सुर और अमोल सुर अजय्या सुर नारद सुर सुरजन सुर ब्रजेश सुर भादु सुर सब सुर गए। लौट के कोई ना आए काऊ ना कही के कन्हैया गोर हो के छोट हो के मोट हो के लंबो हो के चौड़ो हो कोई लौट के नहीं आए। अच्छा जी उन्हें मारना चाहते हो तो एक तरकीब बता दे। जी बताइए। कुआरी लड़की ढूंढो। अच्छा हाँ कुआरी लड़का कुआरा लड़का कुआरी उसकी शादी का अनुष्ठान रख दो और उसी में धन से यज्ञ रख दो। वृंदावन के सब यादवों को अपने यहाँ हाजिरी लिखाने को बोला। कन्हैया बलराम को अपना रथ भेजो। जब वो दरबार में हाजिरी लिखाने आए तुम्हारे पास बड़े बड़े योद्धा हैं इशारा करो सब मरवा डालो। गुरुदेव बाप आ गए पावन घरी पर। पहले आप गैया मैया को दूध पीजिए और संभाल तो आपका चलता ही रहेगा। गाय का दूध दो भाई लला जागेश्वर और नागेश्वर गंदिया। हाँ मेरे भाइयों उसी समय शादी का दिन निश्चित हुआ। नारद जी कहने लगे परसों कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है परसों का धन से यज्ञ रखो और आज ही किसी को भेज दो वृंदावन के लिए जो कला हीरों को कन्हैया बलराम को लेकर मथुरा में आ जाए। किसको भेजा जाए? अक्रूर को भेजूंगा। हाँ महाराज अक्रूर जी है अक्रूर जी को भेज दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे भाइयों अक्रूर को भेजा। कहा कंस ने के हमारे निमित्त तुम वृंदावन को चले जाओ और कन्हैया बलराम को लेकर के आ जाओ।
कंस के रथ को लेकर के चाचा क्रूर वृंदावन में पहुंचे हैं। वृंदावन के बाहर राजा कंस के भेजे हुए क्रूर ने देखा भगवान गैया चरा के आ रहे हैं, रथ में से कूदे हैं। भगवान ने चाचा को गले से लगा लिया। सुबह हुआ है, सारी बात नंद को बताई है, आज मथुरा को चल लो है। बाबा नंद ने सारे वृंदावन में डोरी पिटवा दी, 56 रथ तैयार हुए हैं। जब सुबह चले हैं कृष्ण बलराम को लेकर, गोपियों को पता लगा मेरे कन्हैया जा रहे हैं, भाग नहीं, भगवान का रथ घेर लिया और कहने लगी कन्हैया मैं तुम्हारे पीछे बदनाम हो गई। कन्हैया कहने लगे गोपियों राजा कंस का हुक्म है, अगर मैं नहीं जाऊंगा और राजा कंस सारे अहीरों को मरवा देगा, तुम चिंता न करो मैं परसों आ जाऊंगा। तो रोई रोई के राधा बोली है परसों के न को मिली पाएगी, जब जमुना पे तुम्हें ना देखेगी तो जब डांप डांप मरी जाएगी। भगवान कन्हैया कहने लगे रो नहीं, परसों आ जाएंगे। तो सब लड़कियां रथों के सामने गिर पड़ी और कहने लगी मेरी छाती पे से रथ निकाल ले जाओ, ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो लो मैया जसोदा आ गई। मैया जसोदा ने भगवान को पीतंबर पकड़ो और कहने लगी हे कन्हैया तू मेरे बुढ़ापे की लकड़ी, मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है तू, मुझ जल्दी से मुंह दिखाना। भगवान ने पैर पकड़ लिया यशोदा के और कहने लगे मेरो रणिया सारो विश्व मोहन तेरो रणिया है, तू चिंता न कर परसों आ जाएंगे। भगवान रथ में बैठे, गोपियां रथों के सामने गिर गईं। बलराम को इशारा किया, बलराम ने गोपियों को खड़ा किया और कहने लगे मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं जैसो कन्हैया को लाए जाए रहो वैसाई तुम्हें दे दूंगा। बोली बालन ने विश्वास कर लिया। रथ आगे बड़े हैं, जौलों रथ दिखाई देते रहे तौलों खड़ी रही, रथों की धूल दिखाई देती रही तौलों खड़ी रही। जब धूल भी दिखाई नहीं दी गोपियां पछाड़ खा के गिर पड़ी। जो बोली बहना अब रथ करियो कन्हैया को दूर,
चली गई। भगवान के रथ मथुरा में पहुंचे हैं। मथुरा के बाहर राजा कंस का बाग है। बाग में इन्होंने गाड़ी ढीली है, झाड़ बुहार के बिछोना बिछा के समचुत सामान लगाया। सबने माखन रोटी खाई, माखन रोटी खा के लेट गए। बाबा नंद के पैर दबाने लगे, कन्हैया और बलराम एक बात और बताऊं, मथुरा दूर न रहे बाबा से, इतनी दूर मान लो जो बेसारा नगर दीवारें दिखाएं। भगवान बोले, बाबा हम मथुरा नगरिया को डोल के देखना चाहते। बाबा ने सब ग्वाला बुलाए और कहा, ले जाओ मेरे कन्हैया को मथुरा दिखाए लाओ, भीतर न घुसियो, बाहरी बार दिखा लियो। और जब निगाह राखियो ने वृंदावन के धोखे कहूं लड़की से मटकन लगे और यही तलवार खटकन लगे वो आहिरन को लोह टपकन लगे। सत्य वचन गुरुदेव। अब ये यादव उनके लड़का कन्हैया को लेके मथुरा में गए। जो मथुरा में घुसे लोगों मथुरा